लॉकडाउन के कारण रेलवे ने जिन कर्मचारी और मजदूरों ने अपना रोजगार गंवाया है उन्हें जल्द से जल्द काम मिले, इस उद्देश्य से बुधवार को रेलवे कंत्राटी मजदूर यूनियन की ओर से आंदोलन किया गया। लॉकडाउन के कारण हर किसी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी बीच रेलवे को भी लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी, जिसके चलते रेलवे कर्मचारियों और मजदूरों की हाल बेहाल हो गए। कई लोगों के रोजगार भी इस दरमियान छीन लिए गए, जिसके विरोध भी रेलवे कंत्राटी मजदूर यूनियन की ओर से बुधवार को संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। एसी कोच अटेंडेंस है सगड़े, ये सब लोग जो है एसी कोच अटेंडेंस है, और लॉकडाउन के समय गाड़ियां बंद हुई तो ये 100 से 150 जो कामगार है एसी कोच अटेंडेंस, जिसको बेडरोल सप्लायर बोलते हैं, तो ये इन लोगों को उस समय से बंद किया गया है। 1.5-2 साल से लॉकडाउन के समय से ये लोग अपने घर में बैठे हैं। इनके ऊपर अभी भूखमरी की नौबत आई है, और ऊपर से लॉकडाउन का इनका पगार भी नहीं दिया हुआ है। अब गाड़ियां रेलवे शुरू की है, तो अभी इन लोगों को काम मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर हम है कि एसी कोच अटेंडेंस है उनको, जो पहले से काम कर रहे हैं, 10-15 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को काम मिलना चाहिए और लॉकडाउन का उनका पगार मिलना चाहिए। इस वक्त उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनकी ओर से कड़ा कदम लिया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़ नागपुर।